हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना पे नियर बाई ट्रेड बैलेंस का बैलेंस अपने वॉलेट में कैसे ऐड करना चाहते हैं। अगर आप अपना वॉलेट में बैलेंस ऐड करना चाहते हैं तो किस तरह से ऐड करेंगे, आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। अगर आप पे नियर बाई का ट्रेड बैलेंस अपने वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे, आपको हिंदी में स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना आपको पे नियर बाई ऐप ओपन करना होगा। तो चलिए अपना यहाँ पर पे नियर बाई ऐप ओपन कर लेते हैं। जैसे हम ओपन करते हैं तो हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। तो सिंपली यहाँ इंटरफेस दिखाई देने के बाद एक पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर अपना पासवर्ड डालना होगा। तो देखिए यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है, तो सिंपली यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा। तो चलिए यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ देखिए लॉगिन का ऑप्शन है, तो यहाँ सिंपली लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने के बाद देखिए यहाँ ट्रेड बैलेंस है और वॉलेट बैलेंस है। वॉलेट बैलेंस में देखिए मेरा 45 रुपीस है और इस ट्रेड बैलेंस में है 3,800 रुपये। तो अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं, बिल पेमेंट करना चाहते हैं, तो जो भी बिल पेमेंट करेंगे या रिचार्ज करेंगे वो वॉलेट बैलेंस का कटता है, तो ट्रेड बैलेंस का यूज़ यहाँ नहीं होता है। तो आपको अगर बिल पेमेंट करना है या मोबाइल रिचार्ज करना है तो आपको ट्रेड बैलेंस में जो बैलेंस है उसको वॉलेट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो वॉलेट में अपना बैलेंस जोड़ने के लिए यहाँ देखिए वॉलेट में, वॉलेट के बगल में ट्रेड बैलेंस है, और ट्रेड बैलेंस का अगर आप बैंक बैलेंस वॉलेट में डालना चाहते हैं तो देखिए वॉलेट बैलेंस में लिखा है यहाँ प्लस का आइकॉन दिख रहा है, सिंपली यहाँ प्लस का आइकॉन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम प्लस के आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने के बाद देखिए यहाँ लोड ऑनलाइन है, ट्रांसफ़र है और क्लेम टॉप अप है। तो बीच वाले ऑप्शन ट्रांसफ़र पर क्लिक कर लेते हैं। ट्रांसफ़र क्लिक पर क्लिक करने के बाद देखिए मेरे ट्रेड बैलेंस में जो हैं वो सभी बैलेंस दिखा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जितना ऐड करना है उतना यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो सिंपली मैं 800 रुपीस यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद देखिए यहाँ 800 रुपीस मैंने एंटर कर लिया है। उसके बाद नीचे में लिखा है ऐड टू वॉलेट, ऐड टू वॉलेट पर मैंने यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। जैसे हम ऐड टू वॉलेट पर क्लिक करते हैं तो हमें एक OTP आएगा, तो सिंपली OTP यहाँ पर डालना होगा। तो थोड़ा सा वेटिंग करना होगा OTP के लिए, तो देखते हैं OTP कितना टाइम में आते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारा OTP आ चुका है, तो सिंपली हम यहाँ पर अपना OTP डाल लेते हैं। देखते हैं कि OTP क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा है 18 15 63, तो यहाँ OTP इंटर कर लेते हैं 18 15 63। OTP इंटर करने के बाद यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। तो यहाँ लिखा है चेक वंस अगेन कि 800 रुपये डालें कि नहीं डालें करके यहाँ लिखे हुए हैं, और यहाँ लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू ट्रांसफ़र दिस अमाउंट, तो यहाँ कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद देखिए हमारा यहाँ लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, जो कि हमारा वॉलेट में इतना 800 रुपये जो ऐड किए हैं वो कन्फर्म हो चुका है। तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, तो यहाँ ओके कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो है अब वापस जाते हैं और देखते हैं कि हमारा ऐड हो चुका है कि नहीं हुआ है। तो अभी तक तो ऐड नहीं हुआ है। अगर आप इसे ऐड नहीं हुआ है तो सिंपली यहाँ से आइए सेटिंग में, फिर लॉगआउट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से लॉगआउट कर लेते हैं। लॉगआउट करने के बाद देखिए यहाँ लॉगिन करेंगे, सॉरी यहाँ पासवर्ड डाल लेते हैं। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए हमारा 45 रुपये था अकाउंट में, वॉलेट में, अब वो 800 रुपये ऐड किए हैं, तो 845 रुपये ऐड हो चुके हैं। तो देखिए ये अब कंफर्म हो चुका है। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा अगर आपको वॉलेट में अपना ट्रेड बैलेंस को ऐड करना है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेना, साथ में शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं।